मीराबाई के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्थानीय सांसद हेमा मालिनी के अलावा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदार राज्य के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इस दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे।